चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की। आज बैतूल दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 49 लाख किसानों के खातों में 7,600 करोड़ रुपए की राशि किसानों को करेंगे हस्तांतरित। 21 फरवरी को होगी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। शिवराज सिंह चौहान होंगे कॉन्फ्रेंस में शामिल। मुख्यमंत्री करेंगे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों, संभाग आयुक्त और आईजी की वर्किंग की समीक्षा। अलग अलग समाजों को साधने में जुटे कमलनाथ। राजधानी में 15 फरवरी को पिछड़ा वर्ग का बड़ा कार्यक्रम। पिछड़े वर्ग के नेता और समाज में जुड़े लोग होंगे शामिल। 16 फरवरी को पूर्व सीएम कमलनाथ सागर में रविदास जयंती पर बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। विंध्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए भी कमलनाथ का प्लान तैयार। माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू। इंदौर के शिक्षा विभाग ने नकल को रोकने के लिए बनाया उड़न दस्ता साथी। संवेदनशील सेंटरों पर रखी जाएगी खास नजर। मोदी आज कन्नौज से 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैलियों को करेंगे संबोधित। रैली में संबंधित विधानसभा के उम्मीदवार भी रहेंगे शामिल। सुरक्षा में चूक के बाद पीएम मोदी की पंजाब में 14 फरवरी को होगी रैली। 14 फरवरी को पीएम मोदी जालंधर के पीएपी मैदान में बीजेपी पक्ष के उम्मीदवारों के लिए करेंगे रैली। तेरह फरवरी को लुधियाना में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा। बीजेपी नेताओं ने लुधियाना के दरेसी मैदान में डाला डेरा। पंजाब में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। पुरानी अनाज मंडी में होगी ये रैली। केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धनसाली, गजा और गौचर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा कि देश की सीमाएं बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित। उत्तराखंड देवभूमि के सर्वाधिक लोग देश की सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। हिजाब विवाद और यूसीसी पर बोले सीएम योगी। कहा शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश। हिजाब विवाद पर राहुल गांधी का टिप्पणी से इनकार। कहा बेरोजगारी और पर्यावरण में ध्यान भटक रही है बीजेपी। राहुल गांधी का टिप्पणी से इनकार। उत्तराखंड में पहली बार प्रियंका गांधी की जनसभा। खटीमा, हल्द्वानी व श्रीनगर में आज करेंगे चुनाव प्रचार। बस्तर में नक्सलियों द्वारा अगवा किए गए इंजीनियर व मजदूर का अब तक नहीं कोई सुराग। 10 दिनों से नक्सलियों का तांडव है जारी। केंद्रीय जेल में कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी जेल में बंद कैदियों तक सामान पहुंच रहा है। जेल के बाहर से वस्तु फेंक रहा उन तक पहुंचाया जा रहा है। जेल के अंदर सामान फेंकने का वीडियो वायरल। जेल की बाउंड्री के बाहर से एक युवक कोई संदिग्ध वस्तु जेल के अंदर फेंकता हुआ वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। जबलपुर में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। कुछ बदमाशों ने एटीएम, कैश वैन व फायरिंग करते हुए दो गार्ड्स को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बक्से में करीब 40 लाख रुपए जो एटीएम में रखने के लिए लाए गए थे। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो एक शख्स की मौत हो गई वहीं घायलों का इलाज जारी है।
मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तेज की तैयारी। राजधानी भोपाल में 104 केंद्रों पर होगी परीक्षा। केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे बैरिकेड, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंध। कोविड-19 गाइडलाइंस का भी कराया जाएगा पालन। पूर्वा में सरस्वती के ऐतिहासिक विवाह के साक्षी बने जनप्रतिनिधि और अधिकारी। कन्यादान करने पहुंचे डॉक्टर महंत और उनकी पत्नी ने निभाई रस्में। डॉक्टर महंत ने कोरबा जिले के पाली ब्लॉक में 24 साल पहले सरस्वती को गोद लिया था, अब उसकी शादी में भी शामिल हुए डॉक्टर महंत। अस्पताल में नर्स को गोली मारकर हत्या करने के मामले में नर्सों ने की हड़ताल। हॉस्पिटल में काम बंद कर धरने पर बैठी स्टाफ नर्स। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा भी बैठे धरने पर, बोले भिंड के जिला अस्पताल में कोई सुरक्षित नहीं, गोलीबाजी की यह दूसरी वारदात है। भोपाल में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अजय श्रवण पर कार्रवाई। प्लास्टिक थैली के व्यापार के एवज में मांगी थी 10,000 की रिश्वत। रिश्वत लेने के लिए साथी कर्मचारी को भेजा था भोपाल रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ साथी कर्मचारी। रिश्वतखोर अधिकारी की संपत्तियों की जांच जारी। इंदौर में वापस लिया गया सीएमएचओ का अनोखा आदेश। कर्मचारियों को शनिवार को भी काम कर आने का दिया गया था आदेश, जिसे विरोध के बाद वापस लिया गया। आदेश में 24 घंटे मोबाइल चालू रखने की बात कही गई थी। आदेश का विरोध हुआ तब महज 4 घंटे में ही इसके निरस्त कर दिया गया। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में देर रात निकले बारात में विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इंदौर में गोली चलाने वाले बदमाश का पुलिस ने निकाला जुलूस। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में शराब के पैसे नहीं देने पर एक व्यक्ति को गोली मारकर बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। जबलपुर में कोहरे की वजह से हुआ हादसा, ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार कार। दो लोगों की मौके पर ही हुई मौत, एक की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जा रहे थे संत त्यागी महाराज। सिहोरा राष्ट्रीय राजमार्ग के धनगांवा ग्राम के पास हुआ हादसा। बैतूल के 40 आदिवासी मजदूर कर्नाटक में फंसे, सभी मजदूरों को कर्नाटक में बंधुआ बनाकर रखा गया था। मजदूर परिवारों के साथ 2 से 3 साल की उम्र के 11 बच्चे भी हैं। पिछले साल दिवाली के समय 2 महीने के लिए मजदूरी करने गए थे कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत सिंह कमरे में कर्नाटक के पुलिस प्रशासन से बात की। अधिकारियों ने मजदूरों को सकुशल वापस भेजने का आश्वासन दिया। जांजगीर जिले के पामगढ़ में पत्नी और बच्चों ने शराब पीने से मना किया तो अधेड़ ने लगा ली फांसी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूर्वा शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए एक बार फिर से स्वच्छता महाअभियान का आगाज हो गया है। गुरुवार को वार्ड नंबर 1 से अभियान की शुरुआत की गई। इंदौर में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। किराना दुकान, ट्रेडर्स और स्टेशनरी सहित 3 दुकानों में लगी आग। छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। घटना में 2 की मौत हो गई, 2 गंभीर घायल। दोनों गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलौदा बाजार में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। मुखबिरी के शक में की गई थी हत्या। घर में सोते समय उठाकर ले गए थे नक्सली। गला घोटकर की गई ग्रामीण की हत्या। 20 से 25 माओवादियों ने दी घटना को अंजाम।
कटेल कल्याण थाना क्षेत्र का है मामला। बेमित्रा में अपने मानते के लिए कोटवार संग दर दर भटकने पर मजबूर, कोटवारों की समस्या सुनने वाला नहीं है कोई। अपनी समस्या को लेकर संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे में मिल कोटवार संघ, परेशान कोटवारों ने संसदीय सचिव से लगाई गुहार। बेमित्रा के गस्ती चौक में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में हेल्पर युवक की गई जान, शव को घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मुरैना में नदी किनारे हुआ जुआ खेलते 17 जुआरी पकड़ाए गए। कुआरी नदी के किनारे चल रहा था जुआ का बड़ा खेल, थाना स्टेशन रोड पुलिस की कार्रवाई। दमोह में गाय चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक का सिर मुड़ाकर गांव में घुमाया। जिले के मारुतला गांव में चोरी के शक ग्रामीणों ने युवक की आधी मूंछ काटकर गांव में घुमाया। बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय जागा का सनसनीखेज बयान, विधायक के मुताबिक पुलिस ने अवैध तरीके से जनप्रतिनिधि और पत्रकारों की सीडीआर निकल पाई। कांकेर में रिश्ते हुए शर्मसार, सगे मामा ने नाबालिग भांजी से किया दुष्कर्म, घर में अकेली पाकर घटना को दिया अंजाम। विदेशों के सभी बूथों पर मनाई पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि, समर्पण दिवस के रूप में मनी पुण्यतिथि शुरू हुआ, भाजपा का समर्पण निधि आग्रह किया। जांजगीर में कार की ठोकर से 20 फीट तक घसीटते चले गए छात्र, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ओवरटेक के चक्कर में स्कूटी सवार दो छात्रों को तेज रफ्तार कार ने मारी ठोकर। भोपाल में जिले में बदला मौसम का मिजाज, 24 किलोमीटर की रफ्तार से चली ठंडी हवाएं, भोपाल समेत कई जिलों के तापमान में आई गिरावट। मध्य प्रदेश में अभी ठंड को लेकर है बुरी खबर, मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2-3 दिन ठंड से लोगों को नहीं मिलेगी निजात। रात के तापमान में 2-3 डिग्री तक की गिरावट होने का अनुमान, पहाड़ों में बर्फबारी और हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने के चलते बढ़ी सर्दी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और यूपी में अगले 5 दिनों के दौरान रात या सुबह के समय अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। वही दिल्ली से सटे राज्य पंजाब हरियाणा समेत पश्चिम यूपी में भी हल्के बारिश की संभावना जताई गई। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2-3 दिनों में लोगों को कंपकपी वाले मौसम से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है झारखंड और बिहार में एक बार फिर बारिश का आसार है, कंपकपी वाले मौसम से राहत मिली। दिल्ली में कोरोना के 1317 नए मामले आए सामने, 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1440 नए केस, 15 मरीजों की मौत, एक दिन में 749 मरीज रिकवर।